यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जिस फिल्मी अंदाज में पुलिस की आंखों के सामने मर्डर हुआ, इस गोलीकांड ने पूरे प्रयागराज को दहला दिया है। अतीक अहमद प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आतंक की दुनिया का वो नाम है जिससे लोग खौफ खाते थे। जिस चौक चौराहे से अतीक का काफिला निकलता था, लोग ठहर जाते। बड़े बड़े गैंगस्टर के लिए अतीक नाम ही काफी था। जिस प्रयागराज में एक समय अतीक की तूती बोलती थी, उसी प्रयागराज में एक डॉन को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी ऑन कैमरा। अतीक अहमद के अंत के साथ ही उसकी क्राइम कुंडली एक बार फिर सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अतीक अहमद से माफिया डॉन कैसे बना, कैसे एक तांगा चलाने वाले का दसवीं फेल बेटा अपराध की दुनिया का आका बन गया। लेकिन एक ऐसा गैंगस्टर जिसको ठिकाने लगाकर अतीक पूर्वांचल का माफिया बन बैठा, और वो नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। आखिर कौन था ये चांद बाबा? चांद बाबा से अतीक का क्या रिश्ता था? चांद बाबा के खात्मे से माफिया कैसे बना अतीक? अतीक के अपराधों की फेरिस्त इतनी लंबी है जिसमें एक नाम चांद बाबा का भी है। 80 के दशक में पूरे यूपी में माफियाओं का बोलबाला था, तब चांद बाबा प्रयागराज में अपराध की दुनिया का दूसरा नाम था। चांद बाबा वो नाम था जिससे उस दौर में राजनेता और पुलिस भी कांपती थी, जिसका प्रयागराज में दबदबा था और जिसको खत्म कर अतीक माफिया बन बैठा। दोनों के गैंग के बीच दुश्मनी की कहानी भी दिलचस्प है। अतीक ने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और महज 17 साल की उम्र में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 1979 में अतीक पर रंगदारी और हत्या के आरोप लगे, तब पुलिस और स्थानीय नेताओं ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक को खड़ा करने में मदद की। अतीक अहमद ने साल 1989 में राजनीति में एंट्री ली और तब के इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 1989 में पहली बार अतीक अहमद ने विधायक का पर्चा भरा और चांद बाबा को हरा कर उसने जीत दर्ज की। विधायक बनते ही 3 महीने बाद गैंग वॉर में अतीक ने दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी। इसके बाद से पूरे पूर्वांचल में अतीक के नाम का डंका बजने लगा। अतीक अहमद के नाम का खौफ इतना था कि कोई भी नेता इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं कर पाया था। अतीक को जब उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब उस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। एक समय ऐसा था जब जज भी अतीक के केस की सुनवाई से अपने नाम तक वापस ले लेते थे, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामला ऐसा पहला केस था जिसमें अतीक को सजा हुई।